अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को पूर्ण रूप से बंद कराकर जातीयवाद तथा हिंसा का वातावरण भाजपा आरएसएस तैयार कर रहा है, ऐसा आरोप आयोजित पत्रकार परिषद में भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल इन्होंने की है। नागपुर में प्रवक्ता के रूप में पहली बार नागपुर आए भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल इन्होंने भाजपा आरएसएस और केंद्र सरकार पर तीखा तंज कसते हुए आयोजित पत्र परिषद में कहा कि ये लोग आरक्षण को पूरी तरह से बंद कराकर देश में जातीयवाद को बढ़ावा देना चाहती हैं। इतना ही नहीं तो ये सरकार आरक्षण विरोधी अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है। मात्र सरकारी पदों में आरक्षण लागू होना चाहिए, इसके लिए कांग्रेस यह कदम जरूर उठाने वाली है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अभिजीत हमारे साथ में आई है, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हुई या आरएसएस के ऊपर में जो तोहमत लगाई उसमें कितनी सच्चाई है। सर ये बताइए, जिस तरह से आपने कहा कि आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार हो, जो आरक्षण को लेकर आए दिन सौतेला व्यवहार करती हुई नजर आ रही है और आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करके एक जातिवाद को बढ़ावा देना चाह रही है, ऐसा आपने जो आरोप लगाया है इसमें, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये आरोप नहीं, ये सच्चाई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हाल ही में कुछ दिन पहले भाजपा की उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक दलील दी और उससे साफ पता चलता है कि भाजपा और केंद्र सरकार के इरादे क्या हैं दलित समाज के विषय में। और उस दलील में ये पता चलता है और ये साफ लिखा है कि सरकारी नौकरियों में और सरकारी पद के मामले में आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। सबसे पहले तो ये लिखा है और दूसरा कि राज्य सरकार ये फैसला करेगी, वो उनका कर्तव्य नहीं है, ये वो फैसला करेगी कि आरक्षण उनके प्रांत में लागू करना है कि नहीं करना, वो उनके विवेक पे है, वो प्रतिबद्ध नहीं है। इसलिए मेरा दूसरा सवाल ये था कि जिस प्रकार से आपने दूसरी बात ये भी कही थी कि कहीं ना कहीं आज देश को आज़ाद हुए 72 वर्ष हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आज भी दलित लोगों को मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाने दिया जाता है, इतना ही नहीं तो अगर दूल्हा कोई अपने दुल्हन को लेने के लिए जाता तो घोड़ों पर उसको सवार भी नहीं होने देते, इतना ही नहीं तो कुछ ऐसा भी है कि जहाँ पानी पीने की बात आती तो कुएं में जाके पानी भी नहीं निकाल सकते, ऐसी बात भी आपने कही है। क्या आपको लगता है कि उस दौर का जो जमाना था और आज का जो जमाना है कहीं वो एक जैसे दिखाई दे रहा है कि कुछ बदलाव सा दिखाई दे रहा है इसमें? नहीं, बदलाव तो जरूर आया है और हम ये भी जानते हैं कि आधुनिक भारत में आरक्षण की वजह से बहुत बदलाव आया है। आरक्षण की जो नीति है, जो संविधान में पहले संशोधन के बाद जो लागू की गई, उससे बहुत सारा बदलाव आया, बहुत सारे दलित उत्पीड़ित लोग शोषित लोग बड़े बड़े पदों में आए, सियासतदान बने और हम चाहते हैं कि जो एक तरह से समता और समरसता का जो सपना है वो आरक्षण के जरिए वो पूरा हो। तो बदलाव तो आया है लेकिन हालात अभी भी बहुत बुरे हैं और केंद्र सरकार और भाजपा सरकार और संघ परिवार की ये साजिश है, उनका ये षड्यंत्र है कि आरक्षण का खात्मा हो, आरक्षण का खात्मा हो, ये बार बार ये कहना चाहते हैं, उसके बावजूद भी आरक्षण का खात्मा होगा कि नहीं एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि आए दिन यही देखना अक्सर यह दिखाई देता है कि राजनेता जो है बात कुछ करते कामकाज कुछ और करते लेकिन इसका खामियाजा इसका भुगतना उन लोगों को पड़ता है जो दो वक्त की रोटी के लिए अपना पेट काट के दिन रात काम करते, इतने को इतना होने के बावजूद भी उन्हें दो वक्त का खाना नसीब नहीं होता, भूखे रहना पड़ता, भूखे प्यासे रहना पड़ता, ऐसे लोकतंत्र में जीने वाले लोगों के साथ में क्या सरकार न्याय करेगी, एक देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।